स्टार प्लस के सीरियल बन्नी चाउ होम डिलीवरी में बन्नी हर बार ही युवान को बचा रही है माननी के बुरे साए से। वेल माननी जो चाहती है कि युवान उसके कब्जे में हो जाए, वो उसकी सारी बात मांगेंगे, वो माने उसकी सारी बात ताकि सारी की सारी प्रॉपर्टी माननी के नाम हो जाए। लेकिन ऐसे में बन्नी ढाल बनकर खड़ी है युवान और माननी के बीच। वेल यहाँ हम देखने वाले हैं कि अब बन्नी की वजह से ही युवान को बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। जी हाँ, दरअसल एक म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा और इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में किया जाएगा युवान को इनवाइट। दरअसल जब बन्नी गाना गा रही होती है तभी होगा उसका गला खराब और उसे मोहल्ले वाले काफी कुछ बुरा कहते हुए नजर आएंगे। ऐसे में युवान सोचेगा कि बन्नी दुल्हन की इंसल्ट नहीं होनी चाहिए और वो तभी खुद माइक पकड़ेगा और गाना गाते हुए नजर आएगा। उसका गाना सुनने के बाद सभी खुशी से झूम उठेंगे। किसी को यकीन ही नहीं होगा कि युवान इतना अच्छा गाना भी गाता है। अब भाई उसे गाना गाते देखकर तो बन्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। तभी आएंगी युवान के पास दो लड़कियां और कहेंगी कि वो उसे अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट करने के लिए आई हैं। वो चाहती हैं कि युवान वहां पर आए और अपने आवाज में गाना गाए। ये सुनने के बाद बन्नी और भी ज्यादा खुश होगी, लेकिन युवान मना कर देगा इन सब से कि वो बहुत सारे लोगों के सामने गाना नहीं गा पाएगा। लेकिन इन सब के लिए भी बन्नी उसे किसी तरह से मनाते हुए नजर आने वाली है। और जब ये सारी बातें माननी को पता चलेंगी तो माननी चलने वाली है एक और चाल। जी हाँ, दरअसल माननी अब कहेगी कि आज से युवान मेरे साथ ऑफिस जाएगा। और ये सुनने के बाद तो बन्नी काफी हैरान होगी, क्योंकि इस वक्त युवान को है रिहर्सल करने की काफी जरूरत। देखना ये होगा कि क्या बन्नी माननी को उसकी चाल में कामयाब होने देगी। ये जानने के लिए देखते रहिए स्टार प्लस पर बन्नी चाउ होम डिलीवरी।